नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। आज मैं ईद के पर्व पे, जो आज बहुत बड़ा दिन है, जो ईद मनाई जा रही है, आज नई दिल्ली में जामा मस्जिद में मैं स्थित हूँ। यहाँ पर जामा मस्जिद में किस तरीके से खुशियों के साथ ईद मनाई जा रही है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर नज़ारा किस तरीके का है, सबसे खूबसूरत दिल्ली की जामा मस्जिद, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर काफ़ी लोगों का जो है जमावड़ा है, लोग काफ़ी इकट्ठा हैं। यहाँ पर कितनी खुशी से और शांति प्रिय तरीके से जो है आज का ईद का पर्व मनाया जा रहा है। अभी इन्हीं लोगों से हम चलते चलते बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है ईद और किस तरीके से, खास तरीके से मनाई जा रही है ईद। तो अभी बात करते हैं, आइए। क्या नाम है आपका? मशीक अहमद। मशीक अहमद जी, किस तरीके से आज ईद मनाई जा रही है? बढ़िया, एकदम बढ़िया मनाई जा रही है। बढ़िया मनाई जा रही है जी। तरीके की कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, और भी लोगों से अभी हम बात कर लेते, जान लेते हैं। तो क्या नाम है आपका? शुजाउद्दीन। आज किस तरीके की ईद है? तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छी। किस तरीके से मनाई जा रही है आज? बहुत खुशी हो रही है सभी को। क्या बनाया जाता है आज के दिन? आज के दिन मीठी चीज जी, खीर, समय, सेवई जी। अच्छा, आज हमने अभी और भी लोगों से बात करते जानते हैं। क्या नाम है आपका? हसन। चश्मा तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका, हीरो बने हुए पूरे ऊपर से नीचे। नहीं नहीं, हमारा आज माशाल्लाह बहुत ही खुशी का दिन है और हमें इस त्यौहार को मीठी त्यौहार बोलते हैं और हमें एकता का पैगाम देते हैं इस त्यौहार में कि हिंदू मुस्लिम एकता कैसे होना चाहिए। इस ईद में हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात, एक साथ मिल के रहते हैं, एक साथ दूसरों को खुशी बांटते हैं। और माशाल्लाह हमारा ईद बहुत ही अच्छा गया और इंडिया सेक्युलर मेमोरेंडम के हिसाब से हमारी सिक्योरिटी पुलिस और इंडियन आर्मी ने हमारा सपोर्ट किया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा उम्दा ईद गया। और हम उम्मीद करते हैं इस बात से कि इंशाल्लाह आगे इस तरह का मोमेंट बना रहे और हिंदू मुस्लिम एकता इंशाल्लाह चलता रहेगा। अच्छी बात कही आपने। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग नमाज पढ़ते, आज ईद की नमाज थी तो बाहर रोडों पे भी पढ़ते हैं, किस तरीके के इंतज़ाम थे यहाँ पर और किस तरीके से आज क्या लोगों ने रोडों पर भी जो है नमाज पढ़ी? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने रोडों पर भी नमाज पढ़ी और काफ़ी तलीमगान अच्छा मोमेंट रहा। और दिल्ली पुलिस ने भी इंशाल्लाह दिल्ली पुलिस जो है ना, काफ़ी अच्छा मोमेंट बनाकर रखा और नमाज बाकायदा अदा की गई। कानूनी तरीके से जो बोला जाए तो कोई उल्लंघन नहीं किया गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उल्लंघन नहीं हुआ और काफ़ी माशाल्लाह तलीमगान अच्छा मोमेंट बना रहा, तरीके से मनाई जा रही। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्लाह है। मोहम्मद जी, तो वाकई आज बहुत अच्छा दिन है और बहुत अच्छे उल्लास का दिन है, नए नए कपड़े सबने पहने हुए, किस तरीके से आज ईद मनाई जा रही है, कितनी खुशियाँ हैं? जी, बहुत खुशियाँ है सारे को इंशाल्लाह, बस इतना ही कहना। अभी और भी लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनीस खान मेरा नाम। क्या नाम है? अनीस खान। अनीस खान, जिस तरीके से अभी नफरती माहौल चल रहा है उसमें ईद मनाया जा रहा है जिस तरीके से, तो कुछ खलल तो नहीं पड़ा ईद में? नहीं पड़ा जी, बहुत अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह मनाई गई है जी। और भी लोगों से बात करते हैं, अंदर आइए, इधर थोड़ा सा जगह दीजिए। क्या नाम है आपका? तौसीफ आलम। तौसीफ आलम, किस तरीके से आज ईद मनाई जा रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह आज हम लोग, आज इतने उल्लास का दिन, इतना सुस्त होके बोल रहे हैं, इतना मजेदार, आज बहुत अच्छी तरह हम लोग का ईद गुजर रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। खूब अच्छे कपड़े पहने हुए देख सकते हैं आप सामने, किस तरीके से आज ईद की खुशियां मनाई जा रही है, मीठी ईद है और उसी तरीके से भाईचारे की जो है पैगाम दिया जा रहा है। तो क्या नाम है? साहिल नाम मेरा। साहिल, किस तरीके से आज ईद मनाई जा रही है? बहुत खुशियां होंगी मन में ना? बहुत खुशियां हो रही है। नए कपड़े पहने जाते हैं, नए कपड़े आते हैं घर में, मम्मी पापा से लड़ाई तक हो जाती है कि आज मुझे ये कपड़े चाहिए वो चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है। पैसे भी मिले क्या? पैसे भी मिले 500 रुपए। तो मौज आ गई। हाँ, मौज आ गई आज। अच्छा, क्या नाम है आपका? बड़े मुस्कुरा रहे हो। मोहम्मद कैफ। मोहम्मद, बढ़िया से अच्छा आज, और चश्मा भी इतना अच्छा बढ़िया ले रखा है। 100 रुपए का है, कीमत भी बता दी। वाह, चलिए चलते चलते इन्होंने कीमत भी बता दी। अभी और भी लोगों से बात करेंगे, किस तरीके से खुशियाँ मनाई जा रही है ईद की, जानते हैं लोगों से। और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद। क्या क्या नाम? मोहम्मद शान। हाँ, पीछे से आपने रोक के बुलाया, बताइए कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे अभी टीवी पर लाओ ना। हाँ, ईद का कुछ पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? क्या पैगाम दे बताओ। क्या नाम है आपका? पढ़ाई करते हैं? है, हाँ। कौन सी क्लास? 9th फेल। 9th में है? कुछ फेल होगा, मैं 2 बार फेल हो गए। आगे पढ़ रहे हैं ना? खुशी से बता रहे हो फेल हो गए, आगे पढ़ाई करो। हाँ करेंगे, भविष्य उज्जवल करो अपना। सही बात,
सही बात है, करेंगे। आज अच्छी से ईद मन रही है? हाँ बढ़िया, सेवई बनी है? है हाँ बिल्कुल। चलो हमें भी बुलाएंगे, चलो घर पे चलते हैं, आज आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन। सब ठीक है? अभी अभी और भी लोगों से, और भी लोगों से बात करते हैं। चलते चलते अभी देख सकते हैं आप नज़ारा किस तरीके से है, लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हुए किस तरीके से खुशियाँ मनाई जा रही हैं देख सकते हैं। शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी गई है, किसी भी तरीके का कानूनी उल्लंघन नहीं किया गया है। आपको मैं चलते चलते बात दिखाती रहूँगी और आपको ले चलती हूँ अभी और भी हिस्से में, जामा मस्जिद के और भी हिस्से में मैं ले चलूँगी आपको, दिखाती हूँ मैं सामने। आइए और भी लोगों से हम बात करेंगे, चलते जाइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन खान। मोहम्मद हसनैन खान। हसनैन, आज ईद है, क्या क्या कुछ खुशियां हैं? बहुत अच्छा है, खुशी बहुत बढ़िया, शानदार बने हुए हैं, बिल्कुल अच्छे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना लोग जो है उल्लास है आप देख सकते हैं, और भी लोग हैं, छोटे छोटे ये बच्चे भी हैं यहाँ पर। हाँ बढ़िया सा चश्मा, इनका इनका चश्मा हाईलाइट कीजिए जरा, कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगी इनका चश्मा जरा दिखाइए। देखिए किस तरीके से मतलब उल्लास है यहाँ पर, लोगों में खुशियाँ हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब भाईचारे का पैगाम दिया जाता है और इस तरीके की नफरत को दूर किया जाता है और इस तरीके का पैगाम देते हुए हमारे देश की खूबसूरती वो आप देख सकते हैं। देश की खूबसूरती मैं आज दिल्ली में मौजूद हूँ जामा मस्जिद में, और भी लोगों से बात करते हैं। आइए अभी आपने देखा हमने लोगों से बात की किस तरीके से खुशियाँ और उल्लास के साथ आज ईद मनाई जा रही है, कितना बड़ा पर्व है। और आज मैं दिल्ली की उन्हीं गलियों में मौजूद हूँ जो यहाँ की खूबसूरती बयां करती है, और यहाँ पर लगातार और दिल्ली की खूबसूरत मस्जिद जामा मस्जिद पे मौजूद हूँ, जो बहुत बड़ी मस्जिद है जिसका नाम है। सब लोग यहाँ पर अपनी नमाज अदा करने आते हैं, उन्हीं लोगों से मैंने आज जाना आज ईद के दिन किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से नफरत को दूर करके और ईद की जो खुशियाँ हैं और मीठी सेवई मिठास के साथ जो आज ईद मनाई जा रही है। और लगातार इस तरीके से मैं आपको खबरें दिखाती रहती हूँ, लगातार आपको मैं इस तरीके से ही इस खबरें दिखाती रहती हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार मैं जो है आपको राजनीति से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात और खबरें दिखाती हूँ, इस तरीके के प्रोटेस्ट दिखाती हूँ। मगर आज पहली बार मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके की एक आज स्टोरी दिखाई जाए, जिस तरीके से देश में माहौल है नफरत का, उस पर आज ईद का जो इतना अच्छा दिन था उस पर एक प्रोग्राम किया जाए। इसलिए आज मैंने थोड़ा सा हटके स्टोरी की, आज लोगों से बात की यहाँ पर जाना किस तरीके से ईद जो है मनाई जा रही है, और इसलिए भी ये मैंने कवर किया क्योंकि देश में आपको पता ही है बुलडोज़र तंत्र जो है चल रहा है, और लगातार बुलडोज़र चल रहे हैं और उस पर राजनीति पर राजनीति कर रही है। हर पार्टी अपने वादे कर देती है, दावे कर देती है, मगर जनता के हितों की बात नहीं करती है आज। मगर उन सबको पीछे छोड़कर जो है खुशियों की बात की आज हमने, आज अलग स्टोरी करने की मैंने कोशिश की। जाहिर है कि आज ईद है तो लोगों से हमने जाना किस तरीके से खुशियां हैं, किस तरीके की आज जो मिठास है ईद की, जो सेवई होती है उसकी मिठास किस किस घरों तक पहुंचेगी, किस किस लोगों तक पहुंचेगी, और किस तरीके का आज पैगाम दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आज मैंने लोगों से जाना, जब उनकी ईद की जो नमाज होती है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अदा की गई, किसी भी तरीके का कानूनी उल्लंघन नहीं किया गया, बहुत जो कि संघी लोग जो लगातार ये चीज़ें बोलते हैं कि ये उल्लंघन करते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, मगर मैंने जाना लोगों से ही, आपके सामने मैंने दिखाया कि किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं किया गया, कानूनी प्रक्रिया के चलते ही उन्होंने अपनी नमाज अदा करी, और वहीं इन्होंने कॉपरेट किया, वहीं पुलिस वालों ने भी इनके साथ कॉपरेट किया। बहुत अच्छा पैगाम दिया है आज इन लोगों ने, और बहुत अच्छी विसाख पैदा की है। आज हमारे देश में ईद है और लोग खुशी और उल्लासों से मना रहे हैं, आज आप भी ईद का जो है जश्न मनाइए अच्छे से, और देखते रहिए जनहित आवाज़, सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, जामा मस्जिद, नई दिल्ली।